ओम शांति। आज 8 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बाबा कहे, भोलानाथ बाबा आया है बच्चों के सन्मुख, सबकी बिगड़ी को बनाने वाला। अर्थात कोई भी पुरानी चीज को नया बनाने के लिए बाप आया है। कांटों से फूल बनाने, पत्थर से हीरा बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, ये एक भोलानाथ बाबा का ही कार्य है। परंतु बाबा कहे, जब मैं बिगड़ी को बनाने आया हूं तो कोई भी बात को अपने अंदर छिपाओ नहीं, क्योंकि अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते कहीं खुद छिप न जाओ, अर्थात बाप से दूर न हो जाओ। उसका ध्यान रखना है, सर्जन के आगे सब कुछ सच सच बताना है। कहा जाता, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है कि जहां बाबा हम बच्चों को सच्चाई से उस साहब के आगे सब कुछ रखने की प्रेरणा देते हैं। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत, अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर है, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते, पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम को सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। बाबा कहे, तुम इसी पवित्रता की मदद बाप को देते हो संगम पर, इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कौन से बच्चों ने? प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाप कहते हैं, मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूं। बच्चे जानते हैं, यहां कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अर्थात प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा कौन है? हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। हम आत्माओं का भी बाप शिव है, वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही बनाते हैं। बाप कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था, नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? बिगड़ी को बनाने वाला सुधारने वाला कौन है? यह तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान न सके। बरोबर, भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है।
दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे, वह बहुत ऊंच थे अब नीच है। जिन्होंने राजाई गंवाई है वही फिर से राजाई करते हैं, तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है। सबकी बिगड़नी ही है, सबकी बिगड़नी ही है, सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है, सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म है सबकी बिगड़ी हुई है, सब तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में है, सब तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना देता है, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है। राम राम कह माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। नाम ही है रुद्र माला, रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं, सभी धर्म वालों का सदगति दाता कौन है, शिव है। साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी रचते हैं, शिव बाबा आकर रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मददगार बने हैं तो बाबा कहे सारी सृष्टि को भी तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। बाबा कहे तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की और 16108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला में नजदीक पिरो जाए। सिर्फ बाप को याद करना है। पुरुषार्थ क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं, तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम जानते हो हम मात पिता के सन्मुख बैठे हैं। वह मात पिता हमको राजाएं प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की, जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं। परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को वह जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल,
सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। पांच तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। शिव बाबा आकर पांच तत्वों पर भी दया करते हैं, वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज क्या बन जाती है? हर चीज पवित्र बन जाती है। अब ये तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं, वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते, तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। शिव बाबा को महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाएं करते नहीं है। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सत्युग त्रेता में और कोई होते ही नहीं। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य की बिगड़ी है तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती है, बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े, पवित्र बनने के लिए सबसे पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। अगर खुद का मोह होगा, आकर्षण होगा, तो फिर कमजोर पड़ जाते हैं। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं। पति सासू फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है। बाबा कहे परिवार बढ़ता जाता तो मोह भी जुटता जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले तो नष्टो मोहा चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती है। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे काठी यानी लकड़ी कटाते हैं। गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरुकुल में सबसे पहले स्थूल कार्य कराते हैं, लकड़ी कटवाते हैं, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं। क्यों? ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहां भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो यह सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है, तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो यह काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है।
पवित्र रहने नहीं देते हैं, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ, एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे, फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं, बाप को भूलने से छीछी हो जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं, याद से ही विकर्मा जीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है, जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने हैं ना, यहां रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना, इसलिए राजधानी में तो आ जाएंगे, बाबा के बच्चे तो बने ना। दास दासी बन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते हैं, बाद में कुछ न कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहां से आए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाव हो न सके, कहां महल में, महल में आने के लिए अलाव हो न सके। दास दासियां तो अंदर रहते हैं, बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, मां से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्स ही संभालती है, वहां तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती है, वहां भी दासियां संभालती है, सतयुग में भी दासियां संभालती है। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में, झाड़ झाड़ की काठी है, अलग अलग झाड़ झाड़ की काठी, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो, यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना, उनकी गोथरी जिनमें वह आते हैं, ब्रह्मा बाबा जिसमें वह आते हैं, तो वह जाने और यह जाने, तो बाबा जाने, शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती जो पता भी नहीं पड़ता है। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है, समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे, तब तो औरों को बताएंगे ना, तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है, अंदर बाहर दिल के साफ हो तब ही सच्ची दिल पर साहब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं, हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदर लायक बनाते हैं, विश्व के हम मालिक बनते हैं। फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है, अलग अलग देवी देवताओं को छोटी छोटी कोठरियों में रखते हैं, तो बाबा का एक कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं,
फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है। फिर कुछ न कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे। बाबा क्या कहते, शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे, उनसे कोई न छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा डर रहता है, ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है। तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है, उससे बहुत अभिमान होता है। कोई मकना हाथी नाम की कोई ऐसी कहानी होगी तो बाबा भी कहे तुम्हें मकना हाथी नहीं बनना है, उससे बहुत अभिमान होता है। ये देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहां तो समझते हैं हम आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहां आत्म अभिमानी कहेंगे, यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है। भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए, छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं, योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठे मीठे सिकिलते ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरी पॉइंट, नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाबा को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो तो भी बाप के साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। आज का स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान
नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।